ये वाला लूं मैं। वाओ देखो नीचे निकल गई है, नीचे गिर गई है। रुकना रुकना रुकना। ये मेरी है, थैंक यू। पत्रो पैसे पत्रो पत्रो तो बीच में भी बहुत सारे हैं। एक और रख दिया इधर। कितना आया था आपको? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जी सुबह का हो रहा है ब्रश, और ये देखिए इनका भी रोज़ का यही काम होता है। जब मैं ब्रश कर रही होती हूँ तो रोज़ सुबह इसको भी ब्रश करना होता है। तो भी जो हम करते हैं वो सारे काम इनको करने होते हैं। ब्रश करना है? हाँ करो, ठीक है ब्रश करो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, ब्रश करना चाहिए ना। हाँ करो करो। तो जी अभी हो रहा है हमारा अब नाश्ता, और किट्टू के लिए देखिए उसकी मैं अलग से एक प्लेट लेके आई हूँ जिसमें सब्जियाँ वगैरह रखी है। लेकिन उसको ना पूरा इंटरेस्ट हमारे खाने पे होता है, उसको लगता है कि हमारे साथ ना ये लोग पार्शलिटी कर रहे हैं, और ये अपना खाना नहीं खाएगा, पहले हमारा खाएगा फिर ये अपना खाता है। ब्रेकफास्ट अब हमारा हो चुका है और मैं पी रही हूँ चाय। और ये देखिए ये तो ना इसका अपना परांठे रखे होते हैं, लेकिन इसको लगता है कि मेरे साथ जो है ये लोग पार्शलिटी कर रहे हैं, अपना खाना नहीं खाएगा और हमारे परांठों को खाता है। अभी इसको चाय पीनी है इसलिए इसकी पूरी जो नज़र है ना चाय पे है। पूरा इंसानों वाली हरकत है इसकी। तो जी ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आ गई थी ऊपर छत में, और रोज़ मैं ना टेरेस में भी अपने थोड़े बहुत मैंने प्लांट रखे हैं, तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ काम करती हूँ, और ये तो साथ में ही रहता है तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ गमले में। ये जो भी सब्जियाँ वगैरह लगी होती है वो खा लेता है। तो देखिए ये वाला प्लांट तो इसने मिर्चियों का ना सारा ख़त्म ही कर दिया है, थोड़ी बहुत बची है तो बस ऐसे ही ये रोज़ यहाँ पे खा लेता है। तो मैं इसकी ना इंस्टाग्राम में जो है रील्स बना लेती हूँ, और अगर आपको किट्टू के वीडियो देखने हैं ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं और किट्टू के वीडियो देख सकते हैं। तो बस अभी शाम के टाइम अब मैं वीडियो बना रही हूँ, दिन में मैंने ना पूरा अपना स्टिचिंग का काम किया तो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे जो हमारी पहले बरसात वाली जो बेलें थी ना जैसे तोरी वगैरह की, तो वो मैंने सारी एक दिन उखाड़ दी थी। और ये देखिए तो यहाँ पे अब ये सारा मैं इनको ना जला रही हूँ, और सफाई भी हो जाएगी। और नीचे ये खाली प्लॉट है तो यहाँ पे हम बेल वगैरह जो है वो लगा लेते हैं तोरी वगैरह की। और ऊपर देखिए यहाँ पे पीछे ये मेरे डैडी बैठे हैं, तो पूरी जगह ना धुआं धुआं हो गया है, और मम्मी ना साग निकाल रही थी, और यहीं पे हमने थोड़ी सी सरसों डाली थी मैंने पहले, तो वो उससे अब साग, वैसे मेरी क्यारी में भी है साग। तो ये देखिए अब यहाँ पे सारी जगह ना धुआं धुआं हो गया है, और ठंड भी लग रही थी तो हम यहाँ ना थोड़ी देर आग सेकने भी लग गए। और किट्टू तो हमेशा मेरे कंधे में ही रहता है, अगर मैं इसको नीचे छोड़ भी दोनों तो ऐसे लगता है इसको डर लगता है, इसलिए फिर से मेरे ऊपर ही आ जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सरसों यहाँ पे हो गई है ना, और हमारी क्यारी में भी है सरसों, मतलब मिक्स वाला साग है। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी जो मेरे आउटडोर एरिया में मैंने जो प्लांट रखे हुए हैं ना, तो उसमें भी बड़ी अच्छी मेथी हुई है जो कि मैं अभी हार्वेस्टिंग करूंगी, दूसरी बार की वो मेथी है। और आग ना देखिए यहाँ पे कितना तेज़ पकड़ लिया सब कुछ, और ऊपर एरिया ना पूरा ऐसे गर्म गर्म सा हो गया था इधर, और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी।
और आजकल सर्दियों में ना हरियाली बहुत कम होती है। बरसात में इधर इतनी ज़्यादा हरियाली थी, लेकिन आजकल पूरा सूखा सूखा सा जो है वो हो गया था। और ये देखिए धुएं से ना कैसे इधर ये काला काला जो है वो इससे निकल रहा था। तो देखिए यहाँ से अब मैं निकाल रही थी कस्तूरी मेथी, और ये देखिए ये ना मतलब अंदर मैंने रखा है छत के ऊपर, तो अंदर के एरिया में मैंने, ये इंडोर प्लांट है मेरे, तो इसमें भी मैंने ना कस्तूरी मेथी डाल दी थी जो कि बहुत अच्छी हो रही है ये देखिए। और दूसरी बार की ना ये हार्वेस्टिंग है, तो कस्तूरी मेथी के ना परांठे सब्जी कुछ भी आप बना लो बहुत टेस्टी बनते हैं, और ग्रो भी ना बहुत जल्दी हो जाती है, और इसकी ज़्यादा केयर भी इसको करनी नहीं पड़ती है। तो चलिए अब आज का वीडियो ना, आज मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि पूरा दिन मैंने आज स्टिचिंग का काम किया, और फिर शाम के टाइम मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ी सी मैं अभी ये वीडियो बना लेती हूँ। मम्मी साग निकाल रही थी तो मैंने सोचा चलो ये अंदर से भी ये भी आप साग में डाल लो, तो फिर मैंने ये अंदर वाला भी जो है ये निकाल के मम्मी को दे दिया था, और कुछ दिनों के बाद ये फिर से हार्वेस्टिंग के लिए ना हो जाएगी रेडी। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वो क्रिसमस का था कल का, तो कल भाभी और भाई ने क्या किया था ना, क्रिसमस के हमारा जो ट्री है उसको सजाया था और उसमें चॉकलेट वगैरह चिप्स वगैरह लगा दिए थे, और बच्चे कितने भोले होते हैं। एमी सोच रहा था कि वो ना सेंटा आया होगा और उसने रात को वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए छोड़ी है, तो बच्चे वैसे ही होते हैं। जब मेरा बेटा छोटा था ना तो वो भी सेम वैसे ही था, हम उसके ना बेड के नीचे तकिए के नीचे जो है कुछ रख देते थे कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो उसको लगता था कि रात को सेंटा आया है और मुझे ना चीज़ दे के गया है, गिफ्ट दे के गया है, और बहुत ज़्यादा भोले होते हैं वो भी। सच में ही उसको ऐसे लगता था कि सेंटा दे के गया है, और एमी को भी ना वैसे ही लग रहा था कि सेंटा रात को आया था और उसने वो सारी चीज़ें उसको उसके लिए ना गिफ्ट करी है। तो चलिए ये देखिए इतना साग मैंने जो है वो आज निकाल लिया है, मैंने नहीं निकाला मम्मी ने भी निकाला है साथ में, और किट्टू को यहाँ लग रहा है कि ये चीज़ हमारी है जिसमें मतलब ये मेथी रखी हुई है, तो नानी इसको ना लेके जा रही है, तो वो ना अपनी चीज़ों को लेके उसको सब पता होता है कि हमारी चीज़ें कौन है और मम्मी की चीज़ें कौन है, तो वो मना कर रहा था कि ये क्यों लेके जा रहे हो। और चलिए अभी मैं आपको ना अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ। तो देखिए टमाटर भी लगे हैं, और ये गोभी है, ये हरा प्याज धनिया है, और ये देखिए अंदर भी मैंने थोड़ी सी गोभी लगाई है, ज़्यादा नहीं है बस थोड़ी सी लगाई है, बाकी अभी मैंने लगाई है, देखती हूँ अभी वो इसमें क्यारी में होती है या नहीं, वैसे मैंने लगाई है। और आजकल ना गेंदा के फूल बड़े प्यारे होते हैं, ये देखिए गेंदा के फूल ना काफ़ी ज़्यादा खिलने लग गए हैं, ये मैंने ऐसे ही यहाँ पर फूल जो है ना वो खिलार दिए थे, और कितने अच्छे फूल यहाँ गेंदा के हो रहे हैं। तो ये देखिए पर हरियाली उतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि बरसात और गर्मियों में ज़्यादा हरियाली होती है, तो आजकल देखिए इस तरह से ये मेरी क्यारी जो है ना वो दिख रही है। टमाटर जो है वो अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ी बहुत गोभी भी लग रही है, धनिया तो मतलब होता ही है वो तो है ही, साथ में मिर्चियाँ वगैरह बैंगन वगैरह अभी भी इतनी सर्दियों में ना अच्छे से हो रहे हैं। और ये साग जो देखिए मैंने पूरा की पूरा खाली यहाँ पर किया था, मैंने गोभी लगाई है, लेकिन ये साग ना फिर से पता नहीं दाने वगैरह जो है वो रह गए हो गए, और फिर से वैसे ही उतना की उतना ये हो गया है, किसी दिन ना इसको मैं निकालूंगी अभी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं पे, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।